खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां भाजपा नेता काशीराम गौदारा के निवास पर किसान वार्ता आयोजित हुई। वहीं वार्ता में भाजपा नेता काशीराम गौदारा ने कहा कि क्षेत्र के किसानों को अब 1252 क्यूसेक पानी मिलेगा। वहीं नोहर फीडर बरवाली फीडर को मिलाकर नई शहर से अब 332 क्यूसेक अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि अब कोई भी गाँव सिंचाई पानी से वंचित नहीं रहेगा। नोहर फीडर रिलाइनिंग, सिद्धमुख कैनाल, बरवाली, रासलाना वितरिका, असंचित गांव आदि कई मुद्दों पर सहमति मिलने पर किसानों ने काशीराम गौदारा द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर काशीराम गौदारा ने नोहर क्षेत्र के मीडिया कर्मियों की ओर से सिंचाई पानी के मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित कर आभार जताया। हनुमानगढ़ से संवाददाता राजरतन पारिक की रिपोर्ट। सबसे पहले तो जो मुद्दे आए हैं वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी, राजस्थान सरकार की मुखिया आदरणीय भजनलाल जी के निरंतर जो प्रयास सरकार बनने के तुरंत बाद में राजस्थान क्षेत्र को प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो किया, उनके लिए मैं धन्यवाद मदद आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का भी करूंगा और राजस्थान प्रदेशवासियों का भी धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं कि भारी बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार राजस्थान बनाने का काम किया। सबसे पहले तो जो मुद्दे आए हैं वो मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान